तो आपका एक बार दिल से स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर आपका कोई भी प्लास्टिक में या फिर कूलर में अगर टेप वाला दाग रह जाता है, नहीं छूटता है, पानी से साफ करते हैं, कपड़ा से साफ करते हैं, अगर नहीं छूटता है तो किस तरीके से साफ कर सकते हैं, फुल डिटेल के साथ बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो मेरे पास है बजाज का कूलर जिसमें की टेप चिपका हुआ था, लेकिन टेप को हटाने के बाद काला सा दाग लग गया है। तो पूरे कूलर में चारों तरफ गंदगी लगा हुआ है और साथ ही में उस टेप का भी दाग लगा हुआ है, तो सबको साफ करने का तरीका भैया बताएंगे। आप देख सकते हो ये कपड़ा लिया है, ठीक है, इसको साफ करता हूँ। तो आप अभी भी देख सकते हो इधर भी डस्ट है, इधर भी डस्ट है, और ये तो जाएगा ही, ठीक है। उसके बाद हम पानी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, देखते हैं कितना साफ होता है। तो आप देख सकते हो कि पानी से साफ किया जा रहा है, ठीक है, देन देखते हैं कितना साफ होता है। पानी से भी नहीं हुआ और नॉर्मल कपड़े से भी नहीं हुआ। तो अब हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं पेट्रोल का, ठीक है। आप यहाँ पे भी जूम कर सकते हो, देखो इधर भी साफ नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत साफ हो गया है ऊपर का, देन जो ब्लैक ब्लैक है वो भी अभी साफ नहीं हुआ है। जब भी आपको इस तरह का दाग साफ करना हो या फिर छुड़ाना हो तो आप अपने घर में पेट्रोल का यूज कीजिए।